वालेकुम शहनाज की दुनिया में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ शीरकुरमे की रेसिपी। शीरकुरमे की रेसिपी आप सब बोलेंगे कि ईद के बाद, क्योंकि ईद में मुझे टाइम ही नहीं मिला। ईद में भी मैंने शीरकुरमा बनाई थी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो करूँ, इतना काम था। तो इसलिए मैंने सोचा चलो बाद में शीरकुरमा बनाती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। तो देखिए, ये 2 से 2.5 लीटर दूध है, ये फुल फैट दूध है। इसको मैंने पहले से ही गर्म करने रख दी थी ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ। तो ये देखिए, ये इसमें उबल आ चुका है अच्छे तरीके से। और इसमें जो बघार करने के लिए लगेगा तो उसमें क्या क्या मैं डालूँगी, देखिए ये घी है और ये बादाम है और ये पिस्ता है और ये काजू है और ये सेवई। ये सेवई आप सोचेंगे कि इतनी सी क्यों लिए, वो मैंने इसलिए इतनी सी ली क्योंकि मैं सेवई बहुत थोड़ी डालती हूँ, क्योंकि मेरा मावा बहुत ज़्यादा रहता है इसलिए मैं मावा ज़्यादा डालती हूँ और मैं सेवई कम डालती हूँ। तो देखिए, और इसमें इस शीरकुरमे में मैं इलायची भी नहीं डालूँगी, बिना इलायची का शीरकुरमा रहेगा। और ये है 1 कटोरी शक्कर, अब मैं इसमें 1 कटोरी शक्कर डालूँगी और मुझे अगर और लगी तो और डालूँगी। देखिए, मैं 1 कटोरी पहले आधी डालूँगी क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए। मैंने इसीलिए जल्दी पहले ही दूध पका ली थी ताकि मैं सब आपको फटाफट बता सकूँ। ये याद रखिए कि शीरकुरमा जब भी आप बनाएं तो पहले दूध पकाएं, फिर उसमें शक्कर डाल के दूध पकाएं, उसके बाद बघारें। बघारने के बाद शक्कर ना डालें, दूध फट जाता है। देखिए, अब मैं चेक कर लेती हूँ कि मीठा हो गया कि नहीं हो गया। तो देखिए, अभी इसमें शक्कर की ज़रूरत और है तो मैं थोड़ी और डालूँगी, बस ज़्यादा नहीं डालूँगी, नहीं तो बहुत मीठा हो जाएगा। मेरे घर में मीठा नहीं खाते ज़्यादा शीरकुरमा। तो चलिए, पहले मैं थोड़ा इसको पका लूँ फिर बाद में बघार। ये देखिए, मैंने इसको बघार करने के लिए गोवर्धन घी का इस्तेमाल किया है मैंने। ये 1 डब्बा मैंने इसमें डाली हूँ, ये 50 ग्राम का है, बस हो जाएगा इतना। हाँ, अभी मेरा घी गर्म हो चुका है, मैं अब इसमें बादाम डाल दूँगी पहले। देखिए, ये मेरे बादाम पहले भून चुके हैं, मुझे ज़्यादा भूनना नहीं है और इसमें मैं डाल दूँगी। बस संभाल संभाल के डालिए, इसके डालने के टाइम पे दूध एकदम ऊपर आ जाता है। अब मैं ये पिस्ता और ये काजू दोनों साथ में ही भूनूँगी, ज़्यादा नहीं जलाना है, कम कम ही भूनना है। ये देखिए, ये पिस्ता और काजू भी मैं भून चुकी हूँ और मैंने ज़्यादा नहीं भुनी हूँ, थोड़ा कम ही भुनी हूँ, ज़्यादा लाल ना करें। अब देखिए, इसी घी में मैं थोड़ा सेवई को मैं भून लूँगी। मुझे सेवई कच्ची मिली, मुझे भुनी हुई नहीं मिली थी, मेरे घर में कच्ची सेवई थी तो मैंने उसको ले ली हूँ। लेकिन इसको अच्छे से भूनना है, इसको पूरा लाल करना है। चुकी है और अब ये भी मैं डाल दूंगी इसमें। मैंने अभी इसमें सेवई भी डाल दी हूँ और काजू बादाम सब मैंने बघार करके डाल दी हूँ। अब मैं इसको अच्छे से ज़रा पकाऊंगी, खूब पकाऊंगी इसको, बहुत अच्छे से पकाऊंगी ताकि इसमें बहुत अच्छा स्वाद आ जाए, क्योंकि शीरकुरमे को बहुत ज़्यादा पकाना चाहिए तभी शीरकुरमा अच्छा लगता है। देखिए, अब मैं इसको पकाऊंगी और बाद में मैं आपको बताती हूँ प्लेटिंग करके। ये मेरा शीरकुरमा बनकर तैयार हो गया है, मैंने बघार कर ली थी और अभी इसको मैंने इतना पकाई हूँ। पकाने से देखिए, सब लाल हो चुका है पक पक के और शीरकुरमा भी मेरा गुलाबी हो गया है। मैंने इसको बहुत पकाई हूँ बघार करने के बाद। तो चलिए, अभी मैं प्लेटिंग करती हूँ। देखिए, मैंने प्लेटिंग कर दी हूँ और ये मेरा शीरकुरमा बनकर तैयार हो गया है। मेरा शीरकुरमा बहुत टेस्टी बना है, तो इसी तरीके से शीरकुरमा बनाइए। एक शीरकुरमा होता है इलायची डाल के बनता है और एक शीरकुरमा होता है बिना इलायची का। और जिसमें इलायची डलता है उसमें काजू बादाम को बहुत ज़्यादा लाल करती हूँ मैं, और इसमें मैं कम लाल करती हूँ। तो देखिए, शीरकुरमा बन के तैयार हो गया है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो और आप अपना ख्याल रखिए। तो चलिए, मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। खुदा हाफ़िज़।